अहिंसा और स्वच्छता के प्रेरणा पुंज महात्मा गांधी तथा देश प्रेम और वीरता की आदर्श मूर्ति लाल बहादुर शास्त्री की जयंती करनाल में आज धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य पर राज्यव्यापी स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। यह स्वच्छता पखवाड़ा 2 से 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। राज्यव्यापी स्वच्छता पखवाड़े के पहले दिन शुक्रवार को शहर के जुन्ना गेट क्षेत्र में नगर निगम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम से स्वच्छता गतिविधियों की शुरुआत की गई। इस दौरान भाजपा जिला प्रधान योगेंद्र राणा, महापौर रेणु बाला गुप्ता, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भट्टला तथा केश कला बोर्ड हरियाणा के उपाध्यक्ष यशपाल ठाकुर जैसी शहर की शख्सियत ने कार्यक्रम में मौजूद पार्षद, नागरिक व स्वच्छता पहरी सफाई कर्ताओं का उत्साह बढ़ाकर स्वच्छता के महत्व से रूबरू करवाया। भाजपा के जिला प्रधान योगेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में 2 से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा रहेगा, जिसमें करनाल सहित नगर पालिका क्षेत्रों की साफ सफाई के साथ साथ सभी सीवर व नालों की सफाई को अंजाम दिया जाएगा ताकि हमारे शहर स्वच्छ रहे। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने इस अवसर पर देश की 2 महान विभूति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण कर उन्हें नमन किया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा इकाई के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े की रूपरेखा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार की गई है, जिसमें 2 से 17 अक्टूबर तक साफ सफाई की अलग अलग गतिविधियां रहेंगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के व्यवहार से जुड़ी दिनचर्या है। कार्यक्रम था, कैसा रहा, क्या था? आज देश के 2 वीर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़े के तौर पे स्वच्छता अभियान का चलाया जा रहा है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जो स्वच्छता का संदेश दिया था, उसे व्यवहार में लाने के लिए आज प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यह अभियान करनाल शहर में भी चला गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी, हमारे कर्मचारियों ने एक मुहिम पखवाड़े के तौर पर चलाई है कि किस तरह से अपने शहर को विशेष तौर पर साफ सुथरा रखा जा सके, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को वो स्वच्छता, वो पर्यावरण दे सके जिस खुली हवा में सांस लेने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक जागृति जगाई थी, वो आज पूरे देश में जगाने की ज़रूरत है और उसे हम अपने शहर से बखूबी निभा रहे हैं, बखूबी जगा रहे हैं। मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि आंदोलन में सभी साथ जुड़कर अपने शहर को साफ सुथरा रखें। मैम, आज देखा गया, आज करनाल की मेयर और तमाम कार्यकर्ता खुद सड़कों पर उतरे, स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज लोगों में जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे लोगों को? आज सांकेतिक तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक संदेश दिया है, ये एक पखवाड़े के तौर पर नहीं, पूरे अपने व्यवहार में लाना चाहिए ताकि अपने शहर को स्वच्छ रखा जा सके। हमारे नगर निगम की मेयर बहन रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा का सारा कार्य देख रहे हैं, ऐसे हमारे भाई आदरणीय श्री संजय भट्टला जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय भाई जसपाल वर्मा जी, देश कला बोर्ड हरियाणा के वाइस चेयरमैन आदरणीय भाई यशपाल ठाकुर जी, मेरे साथी भाई राजवीर शर्मा जी, यहाँ की पार्षद सामने दिल्ली जुन्ना गेट से बात, आदरणीय बहन रजनी रोचा जी, वहाँ से लेलेट रहे वगैरह सामने वो उसके पार्षद भाई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।